एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय सेल्फ डॉक्टर संजय सिंह। आज मैं आप लोगों को टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया यानी गिलोय के फ़ायदों के बारे में बताने वाली हूँ। गिलोय बहुत ही एंशियंट हर्ब होती है जो कि एंशियंट टाइम से आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज होती आ रही है। बहुत सारी बीमारियों के लिए काम करती है, बहुत सारी बीमारियों में काम आती है। लेकिन होम्योपैथी में प्रूविंग के बाद इसमें क्या सिम्टम्स निकल गया है, होम्योपैथी में किन किन बीमारियों में इसको यूज़ किया जाता है, इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। साथ ही साथ इसकी क्या डोजेज होती है, किस पावर में आपको इसको यूज करना चाहिए, इसके बारे में भी डिटेल में बताऊँगी। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया भी एक इंडियन होम्योपैथिक ड्रग है, यानी इसका प्लांट जो होता है वो इंडिया में पाया जाता है और एक हर्बेसियस प्लांट होता है। ज़्यादातर इसका जो प्लांट होता है उसका बेल आता है जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता है। आयुर्वेदा में ऐसा मानते हैं कि इसके प्लांट जो है जिस प्लांट के ऊपर ग्रो करता है उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है वो भी इसके अंदर आ जाती है। तो अगर नीम के ऊपर इसका प्लांट ग्रो किया हुआ है तो वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ऐसा माना जाता है। फ्रेंड्स, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया या फिर इसको गुलंचा, गिलोय, हार्ट लीप्स, अमृत बेल या अमृत वल्ली भी कहते हैं, ये एंशियंट टाइम से, बहुत ही पुराने टाइम से आयुर्वेदा में एज ए इम्यूनिटी बूस्टर स्किन के लिए, साथ ही साथ जेनाइटो यूरिनरी के लिए, मतलब जेनाइटल्स पे, यूरिनरी ऑर्गन्स पे, सब पे बहुत अच्छा सा काम करती आ रही है। इसकी फैमिली है मेनिस्पर्मेसी, यानी इसका नेचुरल ऑर्डर मेनिस्पर्मेसी होता है। होम्योपैथी में अगर इसे क्लिनिकल्स की बात करें कि किन किन चीज़ों पर यूज होती है, तो स्प्लीन के अफेक्शंस हो गए उन पर बहुत अच्छा काम करती है, लीवर के अफेक्शंस पर बहुत अच्छा काम करती है, जेनाइटल्स पे मेल और फीमेल्स दोनों के जेनाइटल्स पर बहुत अच्छा काम करती है, साथ ही साथ ये यूरिनरी ऑर्गन्स पर बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा फीवर में इसका बहुत अच्छा रोल होता है, स्पेशली जो इंटरमिटेंट फीवर्स होते हैं जैसे कि मलेरिया हो गया, उसके लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। गोनोरिया, सिफिलिस, इन सब केसेस में भी बहुत अच्छा काम करती है। इसको एज ए टॉनिक भी यूज किया जाता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनमें बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई, वीकनेस आ गया है, स्पेशली सेमिनल डिबिलिटी की वजह से सीमन कम हो गया, इसकी वजह से बहुत वीकनेस आ गई, या लॉन्ग टर्म से फीवर रह रहा है, बुखार रह रहा है, उसकी वजह से बहुत वीकनेस आ गई, तो उनको एज ए टॉनिक भी दिया जाता है और इसके बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट होते हैं। ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यानी शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा अगर हम बुखार की बात करें, यानी इंटरमिटेंट फीवर्स मलेरिया के केसेस में, एक्यूट मलेरिया का केस है, यानी कि अभी आपको मलेरिया का केस डिटेक्ट ही हुआ है, या फिर क्रोनिक है, बहुत टाइम पुराना आपको मलेरिया का केस है, इन दोनों ही केसेस में बहुत ही अच्छे से काम करता है। बुखार स्पेशली आफ्टरनून में, दोपहर के बाद आपको स्टार्ट होता है। और बुखार की स्टार्टिंग कैसे होती है, ठंड लग के बुखार आएगा, ठंड के साथ साथ आपको कपकपी भी होगी, बुखार बहुत तेज आएगा, बुखार के साथ साथ क्या होता है, बिलियस ओमिटिंग होती है, यानी कि आपको जो उल्टी होती है उसमें बाइल या पित्त निकलता है, साथ ही साथ प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, सर दर्द बहुत रहता है। तो इस तरीके का अगर आपको बुखार आ रहा है तो इसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। साथ ही साथ अगर आपको बहुत टाइम पुराना बुखार है, ऐसे कहते हैं ना कि हड्डियों वाला बुखार है, ऐसे आपको अंदर से बुखार फील होता है लेकिन बाहर थर्मोमीटर में आप चेक करेंगे तो 99 या मैक्सिमम 100 आएगा, लेकिन आपको हमेशा कमजोरी सी लगी रहती है, बुखार रहता है, महीनों से ऐसी कंडीशन चली हुई आ रही है, भूख जो है आपकी कम होती जा रही है, कमजोरी बहुत ज़्यादा आ रही है, अंदर से ऐसे लगता है कि हड्डियाँ टूट रही हैं, बुखार चढ़ाता है, थोड़ा सा भी आपने काम किया उसके बाद आपको एकदम से शरीर गर्म लगने लगेगा, बुखार चढ़ने लगेगा, तो इस केस में इसके बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट होते हैं। इसको आप यूज कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए और आपका ये हड्डी वाला बुखार है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक की, तो जेनाइटल्स पे दोनों ही जेंडर्स के जेनाइटल्स पे अच्छा काम करती है, यानी कि मेल्स में या फीमेल्स में दोनों ही जेनाइटल्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन पर अच्छा काम करती है। फीमेल्स में स्पेशली अगर उनको ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो तो उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है इसके साथ। मेल्स में अगर सेमिनल डिबिलिटी हो, सीमेन कम हो गया हो, स्पर्म काउंट कम हो गया हो, उसकी वजह से बहुत वीकनेस रहती हो, तो ऐसे केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा गोनोरिया के केसेस में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, सिफिलिस के केसेस में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है,
यूरिनरी कंडीशन की बात करें, यूरिनरी सिस्टम की बात करें, तो यूटीआई के केसेस में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो चाहे मेल्स में चाहे फीमेल्स में, दोनों में ही बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट देती है। अगर आपको यूरिन जो है धीरे धीरे करके पास होता है, फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा यूरिन के लिए जाना पड़ता है और थोड़ा थोड़ा यूरिन पास होता है, साथ में उसमें जलन भी रहती है, जब आप यूरिन का टेस्ट करवाते हैं तो उसमें आपको पस सेल्स निकल के आते हैं कि पस सेल्स बढ़ी हुई हैं, तो ऐसे केसेस में इसके बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट आते हैं। इसके अलावा स्प्लीन के अफेक्शंस की बात करें, तो अगर आपको स्प्लीनोमिगैली, स्प्लीन आपका बढ़ा हुआ है, पेन रहता है उसकी वजह से, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। लीवर के लिए भी बहुत अच्छा काम करने वाली दवा होती है। लीवर अगर आपका बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, कमज़ोर हो गया है, टॉर्पिडिटी है लीवर की, जॉन्डिस है, लीवर बढ़ा हुआ है, लीवर की वजह से आपको पेट की समस्याएं रहती हैं, तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा स्किन के लिए यानी आपकी त्वचा के लिए भी बहुत अच्छे इसके रिजल्ट होते हैं, स्पेशली लेप्रसी यानी कि कुष्ठ रोग में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा हार्ट के केसेस में यानी दिल की बीमारियों में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, स्पेशली वो लोग जो तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं गोनोरिया की वजह से, सिफिलिस की वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा बुखार की वजह से वीक हो गए हैं, सेमिनल डेबिलिटी हो गई, सीमन लॉस की वजह से वीक हो गए, उनको अगर पैल्पिटेशन फील हो यानी दिल की धड़कन जो है वो धड़कन फील होने लग जाए, बहुत तेज़ आपको दिल धड़कन की बीमारी जिसे कहते हैं वो हो जाए, तो ऐसे केसेस में इसका बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट आता है। ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं, अगर आपकी बॉडी में ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसको आप ले सकते हैं, एज अ टॉनिक भी ले सकते हैं, अगर आप में वीकनेस है बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर इसकी डोजेस की बात करें तो इसको मदर टिंचर फॉर्म में वाइडली यूज किया जाता है, जैसे कि अदर इंडियन होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज किया जाता है, और ये उसमें सबसे अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा 2x, 3x और 6x फॉर्म में भी रेयरली यूज किया जाता है, लेकिन यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पे पहली बार है, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशंस है, किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।